हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HSC इन्फॉर्मेशन में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज़ फायर, फायर क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फायर, फायर के कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ फायर, फायर के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फायर ट्रायंगल, जिसको हम फायर टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम एक एक करके सबके बारे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ फायर, फायर क्या होता है। फायर इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच कम्बाइन थ्री एलिमेंट्स, फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन, एंड दिस रिएक्शन प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। फायर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें तीन एलिमेंट कम्बाइन होते हैं, और जब हम उसमें रिएक्शन कराते हैं तो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है, उसे हम फायर बोलते हैं। आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, ये तीन एलिमेंट एक साथ कम्बाइन है। जब हम इसमें रिएक्शन कराते हैं तो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है, इसको हम फायर बोलते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए फायर क्या होता है। सिंपल सा है, फायर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसके अंदर तीन एलिमेंट कंबाइन होते हैं, और जब उसमें हम रिएक्शन कराते हैं तो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है, उसे हम फायर बोलते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फायर, फायर के कितने प्रकार होते हैं। तो जनरली फायर के पाँच प्रकार होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास के। क्लास ए है, उसको हम सॉलिड फायर बोलते हैं, जिसके अंदर लकड़ी, पेपर, रबड़, कपड़ा, ये सब चीज़ में अगर आग लगे, डैट मीन्स कोई भी फायर जो जलने के बाद राख छोड़े, उसको क्लास ए में कंसीडर करते हैं, जिसमें लकड़ी, पेपर, रबड़, इसको हम क्लास ए में कंसीडर करते हैं। उसके बाद से क्लास बी, क्लास बी है वो है लिक्विड फायर, जिसमें डीजल, पेट्रोल, किरोसिन, पेंट, ये सब क्लास बी में कंसीडर किया जाता है। उसके बाद से है क्लास सी, क्लास सी है जो फ्लेमेबल गैसेस, जिसमें LPG, CNG, मीथेन, ये सब क्लास सी में कंसीडर किया जाता है। क्लास डी है वो है, क्लास डी जो है वो मेटल फायर, जिसमें एल्युमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्लास डी में कंसीडर किया जाता है। उसके बाद से क्लास के, क्लास के जो किचन फायर, जिसमें कुकिंग में आग लग जाए, उसको क्लास के में कंसीडर किया जाता है। अब हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ फायर, फायर में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन एंड चैन रिएक्शन, तीन एलिमेंट एक साथ रहते हैं और उसमें हम चैन रिएक्शन कराते हैं तो फायर ऑकर होता है, उसको हम फायर ट्रायंगल बोलते हैं। अब हम देखेंगे फायर ट्रायंगल, जिसको हम फायर टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। पहले इसको हम फायर ट्रायंगल बोलते हैं बोलते थे क्योंकि उसमें तीन एलिमेंट होते थे, और उसके बाद जो ऐड हुआ है जो चैन रिएक्शन, आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, चौथा जो है, यहाँ पे हम चैन रिएक्शन कराते हैं तब जाके फायर हमारा ऑकर होता था। इसलिए पहले हम उसको फायर ट्रायंगल बोलते थे क्योंकि उसमें तीन एलिमेंट होते थे, और अभी जो चौथा ऐड हुआ है चैन रिएक्शन, क्योंकि अगर एक कमरे में तीन जगह पे तीनों एलिमेंट को अगर हम रख देते हैं तो वहाँ पे फायर ऑकर नहीं होगा। जब तक उसको हम एक साथ कंबाइन करके उसमें चैन रिएक्शन ना कराएं तब तक वो फायर ऑकर नहीं होगा, इसलिए इसको अभी हम फायर टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए कि फायर टेट्राहेड्रॉन क्या होता है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में व्हाट इज़ फायर, टाइप्स ऑफ फायर, फायर ट्रायंगल, फायर एलिमेंट एंड फायर टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, ये सब के बारे में आज हम लोगों ने इस वीडियो में बात किया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।